नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्बिट क्लिनिक गाज़ियाबाद, आपका होम्योपैथिक मित्र, आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष शर्मा गाज़ियाबाद में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर आपको जानकारी देना चाहता हूँ। टॉपिक हमारी टीनेजर्स गर्ल्स जो हैं उनके लिए है। टीनेजर्स गर्ल्स में जो गर्ल्स 12 साल से लेके 20 साल के बीच में एज में जो आती हैं उनको टीनेजर्स गर्ल्स कहते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इसी समय में टीनेजर्स स्टार्ट एज में ही ज़्यादातर गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट होते हैं, मासिक धर्म स्टार्ट होता है। ये जो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसके कुछ महीनों के बाद कुछ समस्याएं उनके साथ आने लगती हैं, जैसे कि पीरियड्स का बार बार आना, समय से ना आना, जल्दी आना, समय के बाद आना, और कभी कभी अधिक मात्रा में आना और दर्द के साथ आना। ऐसी समस्याओं का सामना हमारे टीनेजर्स गर्ल्स को करना पड़ता है। और ये समस्याएं कभी कभी गर्ल्स अपनी मदर्स को शाइनेस की वजह से या झिझक की वजह से नहीं कह पाती हैं, और अगर कह भी पाती हैं तो हमारी कुछ मदर्स शायद इसको इग्नोर कर देती हैं, क्योंकि वे भी पहले इसी तरीके से ऐसी समस्या झेल चुकी हैं लेकिन उनका कोई इलाज उनको नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये मदर्स और गर्ल्स अगर इन समस्याओं को आपस में शेयर करें और मदर्स इन समस्याओं को समझकर डॉक्टर से परामर्श लें तो इस समस्याओं का निदान हो सकता है। और ये समस्याएं अगर मैरिज के बाद अगर ये समस्याएं साथ साथ चलती रहती हैं तो ये कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेती हैं, जैसे PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फाइब्रॉइड्स, ऐसी समस्याओं में बीमारियों में बदल जाती हैं। तो मदर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को समझें, उनकी बातों को इग्नोर ना करें, उनके सिम्टम्स को लेकर किसी भी अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर होम्योपैथी परामर्श लेकर इसका इलाज तुरंत से तुरंत कराएं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज इनका होता है। और हिस्ट्री के साथ सिम्टम लेकर उनकी समस्याओं को समझकर इसका इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद साथियों।